तो आपको तो पता हो कि 29th of September यानी कि कल से आपको बिग बिलियन डे स्टार्ट हो जाएगा फ्लिपकार्ट के ऊपर। तो बहुत सारे व्यूअर्स हमारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा फ़ोन लेना है कौन सा नहीं लेना है। मैं ऑलरेडी एक लिस्ट बना के दे चुका हूँ कौन सा फ़ोन आपको मिल रहा है बेस्ट प्राइस में। तो उस वीडियो को देखने के लिए आप इसका प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, जी हाँ आखिर में भी आपको मिल जाएगा, आप जरूर से देख लेना उसको। और आज हम बात करेंगे Realme C2 वर्सेस Redmi का 8A जो न्यूली लॉन्च हुआ है और जो मिलने वाला है 29th of September को, यानी कि कल से वो मिलना भी शुरू हो जाएगा। तो अगर ये दोनों फ़ोन आप कंसिडर कर रहे हैं तो उसके बारे में जानने के लिए इस वीडियो को जरूर से देख लेना, क्योंकि यहाँ पे मैं टोटल कंपैरिजन आपको बता दूंगा, क्या कुछ अच्छा है क्या कुछ बुरा है उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। तो देखते रहिए इस वीडियो को। तो जैसे कि बताया कि Redmi 8A और Realme C2 के बारे में हम आप कंपैरिजन करेंगे, और इसमें बता दूँ जो Redmi 8A के बारे में बताऊंगा मैं तो अभी तक टेस्ट नहीं किया हूं, जब आएगा मैं खरीदूंगा उसके बाद आपको रिव्यू उसका दे दूंगा। लेकिन टोटल जो जितना चीज़ है उसका लगभग सेम है Redmi का 7A से, और 7A का ऑलरेडी हमारे चैनल के ऊपर रिव्यू है और C2 का भी ऑलरेडी चैनल के ऊपर वीडियो अवेलेबल है, आप चाहे तो देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा चेंजेस नहीं है। तो जैसा 7A परफॉर्म करता है 8A भी वही सेम परफॉर्म करेगा, सिर्फ यहाँ पे थोड़ा लुक्स और डिज़ाइन थोड़ा चेंजेस हुआ है। तो बात करते हैं पहले दोनों का डिज़ाइन की। तो डिज़ाइन में मुझे Realme का C2 थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि उसका बैक डिज़ाइन में जो डायमंड कट दिया गया थोड़ा अच्छा दिखता है। ब्लू कलर आप देख सकते हैं मेरे पास ऑलरेडी था, तो मुझे पता है कैसा दिखता है। और Redmi 8A की बात करें तो वो भी ठीक ठाक है, लेकिन क्लासिक दिखता है। अगर आपको अच्छा लुक चाहिए तो आप Realme C2 को कंसिडर कर सकते हैं। डिस्प्ले की बात करें तो दोनों में आपको डॉट नॉच वाला डिस्प्ले मिल जाता है 6.2 इंच का, और दोनों 720p डिस्प्ले के साथ आते हैं। यहाँ पे आपको फुल HD प्लस वाला डिस्प्ले देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं रैम रोम के बारे में। तो दोनों में यहाँ पे जो हम कंपेयर कर रहे हैं दोनों में आपको 2GB 32GB देखने को मिल जाता है। जी हाँ ये वेरियंट हम यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों का 3G वेरियंट भी आता है। तो हम बात करें 2GB 32GB वाला वेरियंट की। प्रोसेसर की बात करें तो जो Realme C2 है वहाँ पे आपको Helio का P22 प्रोसेसर देखने को मिलता है, और Redmi का जो 8A है यहाँ पे आपको 439 प्रोसेसर देखने को मिलता है। और मेरा यकीन मानिए अगर आप यूज करेंगे PUBG वगैरह भी खेलेंगे तो Realme C2 से जो 439 प्रोसेसर है Redmi 8A का थोड़ा बेटर परफॉर्म कर जाता है। कैमरे की बात करें तो Realme C2 में आपको पीछे की तरफ 2 कैमरा मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे Redmi 8A में आपको सिंगल कैमरा पीछे की तरफ मिलता है जो कि 13MP का। और Realme C2 की बात करें तो 12+2MP का आपको बैक की तरफ कैमरा मिलता है, और सामने की तरफ आपको 5MP का कैमरा मिल जाता है। Redmi 8A की बात करें तो यहाँ पे आपको 8MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। अगर आप सेल्फी के लिए बात करें तो Redmi 8A बेटर रहेगा, लेकिन अगर बैक कैमरा की बात करें तो आपको लग रहा होगा C2 में डुअल कैमरा है तो अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन जो Redmi 7A के साथ मैं कंपेयर किया था तो 7A का पिक्चर मुझे थोड़ा सा बेटर लगा Realme C2 से। तो होपफुली Redmi जो 8A है इसका कैमरा भी थोड़ा बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सोनी का IMX सेंसर मिल जाता है आपको ये दोनों फ़ोन में, 8A हो गया 7A हो गया, तो ऑब्वियसली थोड़ा पिक्चर अच्छा दिख जाता है। अब बाकी चीज़ों की बात करें, बाकी दोनों का UI अलग रहता है, दोनों एंड्रॉयड 9 ऊपर के आते हैं। उसके बाद दोनों में आपको 2 SIM और एक साथ माइक्रो SD कार्ड भी लगा सकते हैं। यहाँ डेडिकेटेड आपको 2 SIM और साथ साथ माइक्रो SD कार्ड का सपोर्ट भी मिल जाता है। अब बैटरी की दोनों में बात करें तो Realme C2 में आपको 4000mAh का बैटरी मिल जाता है, इधर Redmi 8A में आपको 5000mAh का मैसिव बैटरी मिल जाता है। तो बैटरी में भी Redmi 8A आगे है। बात करते हैं उसके पोर्ट के बारे में, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा अलग है। Redmi 8A में आपको USB Type-C पोर्ट देखने को मिल जाता है, और Realme C2 क्योंकि थोड़ा पुराना हो गया, ओवरऑल 4 to 6 months हो गया है, तो उसमें आपको माइक्रो USB पोर्ट देखने को मिल जाते हैं। अब प्राइस की बात करते हैं तो जो C2 है वहाँ उसका प्राइस रखा गया 2GB 32GB वर्सन का 7000 rupees, और ये जो नया लॉन्च हुआ है इसका कीमत रखा गया 6500 rupees। लेकिन ये ऑफर टाइम में 29th को आपको शायद से ये भी आपको 6000 में मिल सकता है और C2 भी आपको 6000 में मिल सकता है। तो ये था टोटल डिटेल्स कंपैरिजन, क्या कुछ आपको देखने को दोनों फ़ोन में मिल रहा है। और अगर मेरा ओपिनियन माने तो मैं बताऊंगा Redmi 8A के लिए, अगर आपको डिज़ाइन अच्छा है तो आप Realme C2 भी जा सकते हैं, लेकिन ओवरऑल बैटरी और परफॉर्मेंस देख के मुझे पसंद है Redmi 8A, क्योंकि इसका जो 430 प्रोसेसर है वो थोड़ा बेटर रहता है Realme C2 से। तो आई होप ये क्विक कंपैरिजन आपको पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और इसके बारे में और भी कुछ जानना है तो कमेंट में जरूर से लिख सकते हैं। और हमारे चैनल में नए आ गए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब बटन आपको नीचे मिल जाएगा, और दोनों फ़ोन का बाय लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। मेरा नाम है सुमन, आप देख रहे TechyPoint यूट्यूब चैनल, मैं मिलता हूँ आपको और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।